जो रिजल्ट आए हैं उसको तो हमने स्वीकारना चाहिए। तो हमें भरोसा था कि भाई मोदी जी ने इतना काम किया है और इसीलिए लोग हमको वोटिंग करेंगे, लेकिन अभी लोगों ने क्यों नहीं इतना वोटिंग हमको किया, इस पर हमें सोचना होगा। और जरूर मतलब, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि कम सीटें आने का कारण मुझे यही दिखाई देता है, शिवसेना में फूट हुई, एनसीपी में फूट हुई, उसका उसके संबंध में लोगों ने मतलब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ज्यादा पसंदी देने का काम किया, ऐसा रिजल्ट के माध्यम से दिखाई देता है। और इसका परिणाम बाकी के राज्यों में भी हुआ होगा कि भाई ये बीजेपी ने उनको तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं तोड़ा था, वो खुद हमारे पास आए थे, लेकिन ये भी है। और बाकी के मुद्दों पर विचार करेंगे, लेकिन जो जिस तरह हमारी अपेक्षा थी उसी तरह हमारा जो रिजल्ट है रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन अभी तक और भी टाइम बाकी है, सीटें आगे पीछे हो रही है, तो देखते आखिर तक हमको क्या मतलब कितनी सीटें मिलती है। मुझे लगता है कि हम 325 के ऊपर जा सकते हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। यूपी में क्या हुआ, अभी यूपी में तो बहुत डेवलपमेंट अच्छा हुआ था, शायद लोगों ने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अपोजिशन ने बार बार इस पर ज्यादा मतलब प्रेशर किया कि ये लोग संविधान बदलेंगे, ये 400 सीटें आएगी तो मतलब यहाँ डिक्टेटरशिप आएगी, इसी तरह का प्रचार और लोकतंत्र धोखे में है, इसीलिए हम सब लोग एक साथ आए है, ये भी मतलब ये कारण है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि 2024-14 और 19 के चुनाव में ये सब अपोजिशन वाले अलग अलग लड़े थे, इस वक्त सभी अपोजिशन वाले एक साथ आए हैं मोदी जी को हराने के लिए या एनडीए को हराने के लिए, उसका भी थोड़ा सा परिणाम मतलब हमारे लिए निगेटिव होता दिखता है, लेकिन वो भी विषय है। लेकिन इन्होंने बार बार झूठ बोलकर वोट लेने का काम किया है, तो मतलब संविधान बदलने का विषय नहीं है। माननीय मोदी साहब ने बार बार बताया था कि भाई संविधान को धक्का नहीं लगेगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, ये बात उन्होंने बार बार बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने बार बार लोगों पर प्रेशर किया कि नहीं नहीं संविधान बदलेंगे, नहीं संविधान बदलेंगे, यहाँ लोकतंत्र धोखे में आ जाएगा, इसी तरह की अफवाहें फैला कर लोगों को गुमराह करने का काम किया, और इसीलिए कुछ जो लोग है हमारे खिलाफ चले गए। तो ठीक बात है, जो लोगों का कौल है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। विधानसभा में तो हम अभी इसका विचार करेंगे, अभी जो हम तीन पार्टियां तो हमारी बड़ी बड़ी है, मेरी पार्टी है और भी हमारी कुछ एनडीए महायुति में कई पार्टियां है, तो उसमें हम जरूर एक घोषित करने वाले है। इसमें थोड़ा सा रिपब्लिकन पार्टी को इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है, अगर दलित वोटों को अगर अपने तरफ ट्रांसफर करना है तो रिपब्लिकन पार्टी को एकदम अवॉइड करने से मतलब महाविकास आघाड़ी के विरोध में हम खड़े है, लेकिन महायुति को अगर सफल बनाना है तो दलित वोटों की तरफ ध्यान देना चाहिए, माइनॉरिटी का वोट भी अपने तरफ कैसे आएगा इस पर भी ध्यान देना चाहिए, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, गुजराती भाषी का वो भी अपने पास कैसे आएगा इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो सब हम करने में अगर सफल हो जाते हैं तो जरूर जो अभी हमको थोड़ी मतलब धक्का बैठा है कि काफी सीटें उनकी ज्यादा सीटें आ रही है, महाविकास आघाड़ी की हमारी कम आ रही है, तो उस पर जरूर हम गंभीरता से विचार करेंगे और कैंडिडेट जल्दी जल्दी तय करना होगा, जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।